ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं मुस्कान। सड़कों पर हुआ बरसात का पानी इकट्ठा, राहगीरों का चलना हुआ दुश्वार। आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैली हुई, जिसको लेकर हर देश की सरकार कुछ न कुछ अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम मुहिम चला रही है। तो वहीं आज भारत देश के अंदर उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ थाना सरायमीर क्षेत्र के अंतर्गत सरायमीर से जाने वाला रोड नंदाव की तरफ बीच रास्ते में इशरावली गांव से आचलपुर गांव के बीच में 100 मीटर तक रोड पर बहता बरसात का पानी, राहगीरों द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें ठेवना भर पानी में आना जाना पड़ता है और हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जब मैं प्राइम न्यूज 24 से पहुंचा तो राहगीरों द्वारा विनोद यादव नंदाव के रहने वाले बोले कि सरकार को इस सड़क पर गौर करना चाहिए ताकि आने जाने राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं राहगीरों का कहना है कि यह रोड सरायमीर से नंदाव तक दो बार नवीनीकरण हुआ। यह सड़क नंदाव सिसुरा बाजार मार्टिनगंज बरदा थाना और मुक्तिपुर बाजार ठेकमा गंभीरपुर तक और जौनपुर तक चला जाता है, लेकिन यह बरसात के समय 100 मीटर तक सड़क पर बरसात की पानी लगता है। करौली बुजुर्ग के मनोज कुमार जी बोले कि सरकार इस सड़क पर गौर करके जल्द से जल्द नवीनीकरण का शुरुआत करे ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। आजमगढ़ सरायमीर से नीरज कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? ये रोड सरायमीर से नंदाव जाता है जी सर, और इसमें जो जल का जमाव हो गया, इससे आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है जी सर। क्या इस रोड की रिपेयरिंग नहीं हुई है क्या दोबारा, या बनाना नहीं है? नहीं, रिपेयरिंग तो हुई थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है इसकी लगातार उपेक्षा हो रही है। और इसी की नहीं, पूरे आजमगढ़ जिले की उपेक्षा हो रही है, और आजमगढ़ को विकास से अवरुद्ध कर दिया गया है। सर आपका नाम? हमारा नाम विनोद यादव। सर घर कहाँ पड़ेगा आपका? हमारा घर पड़ेगा नंदाव। सर आपका इस रोड के बारे में क्या कहना है? ये रोड जो है, दो बार इसका नवीनीकरण हुआ, दोनों बार इसकी पटरी का मरम्मत नहीं हुआ। और जो ये रोड जो है सरायमीर से नंदाव से लेकर मार्टिनगंज बरदा तक के मार्ग को जोड़ता हुए जौनपुर तक जाता है जी सर, और ये क्षतिग्रस्त होने के कारण इस पे आने जाने में तमाम सुविधाएं यहाँ पे असुविधा होती है, और यहाँ पे जो है परेशानी की हर तरह से बार बार एक्सीडेंट दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं जी सर। ये रोड की स्थिति देखने से आपको क्या लगता है, आने जाने में सुविधा है या असुविधा है? बहुत ही खराब स्थिति है, आप लोग